नमस्कार, मैं नेहा साहिन, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाया जाएगा 15 अगस्त, तीसरे दिन भी एम्स और IGIMS के डॉक्टर हड़ताल पर। अब घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकेंगे कोर्ट मैरिज। 2000 नियोजित शिक्षकों की रुकी काउंसलिंग। हार्दिक पांड्या और जैस्मिनी वालिया की डेटिंग की खबरों ने पकड़ा जोर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। धूमधाम से मनाया जाएगा इंडिपेंडेंट डे। इस बार 15 अगस्त के अवसर पर गांधी मैदान को लेकर खास तैयारी की गई है। पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए गांधी मैदान को 4 सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है। 98 मजिस्ट्रेट और लगभग 1000 जवानों की तैनाती की गई है ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। गांधी मैदान और कारगिल स्मृति चौक में विधि व्यवस्था के लिए कुल 60 विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस बल के विभिन्न बल, जिसमें महिला बल, लाठी बल और अन्य पुलिस बल शामिल है, वे भी इस दौरान मुस्तैद पर रहेंगे। वहीं आम जनता के लिए भी प्रवेश गेट बनाया गया है, तो आप गेट संख्या 4, 5, 6 और 7 से प्रवेश कर सकते हैं। 2000 नियोजित शिक्षकों की रुकी काउंसलिंग। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान गंभीर समस्याएं सामने आई है। शिक्षा विभाग को मिली रिपोर्ट में काउंसलिंग में शामिल 2000 से अधिक शिक्षकों के अंगूठे के निशान और आधार कार्ड में दर्ज नाम और नंबर में असमानता पाई गई है। इससे उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से इन शिक्षकों की काउंसलिंग लंबित है। शिक्षा विभाग का कहना है कि आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। फिलहाल काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है और समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरे दिन भी एम्स और IGIMS के डॉक्टर हड़ताल पर। आज एम्स और IGIMS की OPD सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि IGIMS के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से कार्य बहिष्कार किया गया है। सभी डॉक्टर आज तीसरे दिन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें घर वापस जाना पड़ रहा है। बता दें कोलकाता की मेडिकल कॉलेज की PG की छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई, इसी के विरोध में हड़ताल किया जा रहा है। वह इस दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सरकार से ऐप बनाने की भी मांग की गई है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल में लगातार बारिश होने के कारण कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि कोसी नदी का जलस्तर अपस्ट्रीम में 2,23,755 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है। वहीं नदी के 31 फाटकों को भी खोल दिया गया है, जबकि सिंचाई के लिए पूर्वी कोसी मुख्य नहर में 6,500 क्यूसेक और पश्चिमी कोसी मुख्य नहर में 6,100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन इससे नदी के किसी भी स्पर पर कोई खतरा नहीं है। जलस्तर की बढ़ोतरी होने के बाद चिन्हित संवेदनशील स्तरों पर अभियंताओं और कर्मियों की चौकसी तेज कर दी गई है। कहीं से किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं बताई जा रही है, सभी तटबंध सुरक्षित हैं। अब सौतेले संतान भी माने जाएंगे आश्रित। बिहार सरकार ने मेडिकल रिब्रसमेंट मामले में एक बड़ा बदलाव किया है। बता दें अब सौतेले संतान और नाबालिग भाई बहन को आश्रितों की सूची में शामिल किया जाएगा। अब राज्य के सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के सौतेले पुत्र पुत्री साथ ही नाबालिग भाई बहनों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पुत्र को उनके विवाह होने या 25 वर्ष की आयु तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, जबकि पुत्री को उसकी जीविकोपार्जन शुरू करने या विवाह होने तक आश्रित माना जाएगा। इसके अलावा निःशक्त पुत्र या पुत्री को आयु सीमा के बगैर और वैवाहिक स्थिति के बाद भी आश्रित माना जाएगा। वही तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्त या विधवा पुत्री को भी बिना उम्र सीमा के आश्रित माना जाएगा। यह निर्णय राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू हुआ है और इसका उद्देश्य मेडिकल रिम्बर्समेंट में उत्पन्न समस्याओं को सुलझाना है। अब घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकेंगे कोर्ट मैरिज। अब आपको जमीन की रजिस्ट्री और कोर्ट मैरिज के लिए निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही कोर्ट मैरिज कर सकेंगे। बता दें कि एक विशेष पहल की गई है। अब राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जल्द ही ई निबंधन सॉफ्टवेयर से दस्तावेजों और विवाह का निबंधन शुरू होगा। इसकी मदद से आवेदक कहीं से कभी भी शादी और जमीन की रजिस्ट्री की ऑनलाइन फाइलिंग, MBR वैल्यूएशन और स्टाम्प वैल्यू की गणना कर सकेंगे।
नए सॉफ्टवेयर में ई केवाईसी का फीचर होने से लोगों को बार बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें ये सुविधा 5 निबंधन कार्यालयों में जहानाबाद, दानापुर, बेटा, पटना सिटी और फतुहा में 29 जुलाई से लागू है। मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर को सभी निबंधन कार्यालयों में लागू करने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मदरसों में इस महीने से शुरू होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब निजी स्कूलों की तरह ही बिहार के अनुदानित 1906 मदरसों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होगी। इसकी शुरुआत इसी महीने से शुरू हो जाएगी और हर 3 महीने पर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग की जाएगी। बता दें मदरसों में पहली बार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होने जा रहा है। इसके पहले देश के किसी भी राज्य के मदरसे में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग नहीं होती थी। बता दें बिहार मदरसा बोर्ड के कार्यालय में व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने सभी अनुदानित मदरसों के हेड को आदेश जारी कर दिया है कि अब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बच्चे के साथ माता पिता को जाना होगा। अगर किसी मदरसे ने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग नहीं की तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। बोर्ड के व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कराने में मदरसों की मदद करेंगे। एनटीए ने जारी किया सिटी इंटीमेशन स्लिप। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है। यदि आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये स्लिप आपको आपकी परीक्षा का शहर जानने में मदद करेगी। आप इसे वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। फिलहाल सिटी इंटीमेशन स्लिप केवल 21, 22 और 23 अगस्त की परीक्षाओं के लिए जारी की गई है। बाकी तारीखों की स्लिप कुछ दिनों में जारी की जाएगी। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। राजधानी की सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। अब पटना की सड़कें चमचमाती और दुरुस्त नजर आएंगी। बता दें कि 6 अंचलों के पथों के पुनर्निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 120 करोड़ की राशि की स्वीकृति की है। इस दौरान मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इस पैकेज के तहत अजीमाबाद अंचल, नूतन राजधानी अंचल, बांकीपुर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, कंकड़बाग अंचल और पटना सिटी अंचल में विकास काम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नमामि गंगे योजना, नल जल योजना समेत अन्य योजना के कार्यों के दौरान सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर उनके पुनर्निर्माण के लिए 12 अलग अलग योजनाओं के तहत ये राशि की स्वीकृति मिली है। स्वतंत्रता दिवस पर 19 अधिकारी किए जाएंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई राज्य के आईपीएस और डीएसपी को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें यूपी, बिहार से लेकर पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों के भी नाम हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुल 19 अधिकारियों को वीरता पुरस्कार, गैलेंटी अवार्ड, पीएसएम अवार्ड से नवाजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज में शुरू होंगे डीएनबी की डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम। बिहार के सरकारी सुपर स्पेशलिटी, बिहार के जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अब डीएनबी के डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य डीएनबी संचालन समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में डीएनबी निगरानी समिति का गठन प्रस्ताव भी पारित किया गया है। राज्य में डीएनबी कार्यक्रम बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए अधिकारियों को अध्ययन के लिए दूसरे राज्यों का भ्रमण कराने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में सहमति बनी कि जितने भी मान्यता प्राप्त मेडिकल संस्थान हैं इन सभी को राज्य डीएनबी संचालन समिति में शामिल किया जाएगा। महागठबंधन को छोड़कर जाने की अटकलों के बीच मुकेश सहनी के वीआईपी ने दिया अस्पष्ट जवाब। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब तक निषाद आरक्षण पर बात नहीं बनेगी तब तक बीजेपी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि तिरंगा झंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हम लोग तिरंगा नहीं लगा रहे हैं। 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी की बात है, खुशी तिरंगा लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों की लड़ाई क्या है सब लोग जानते हैं। हमारे नेता मुकेश सहनी पूरे देश में निषादों की आवाज बुलंद कर रहे हैं।
लालू यादव का नीतीश कुमार पर हमला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नीतीश सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें पिछले दो हफ्तों में हुआ आपराधिक घटनाओं का जिक्र है। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि बिहार में बढ़ते अपराध के कारण चीख पुकार मची है, यही असल में नीतीश सरकार की सच्चाई है। राज्य में बीजेपी और जेडीयू का चौपट राज है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज को गंगा से की तुलना। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने राजनीति के मौजूदा परिदृश्य और जनसुराज अभियान के भविष्य पर अपनी राय रखी है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनसुराज अभियान को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है और यही वजह है कि अन्य पार्टियों से नेताओं का जनसुराज में आना हो रहा है। उन्होंने कहा कि दो सालों से चल रही इस पदयात्रा में लोग अब जुड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ने भी बदलाव की दिशा को महसूस कर लिया है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज को एक गंगा की उपमा देते हुए कहा कि इसमें कुछ नेताओं के जुड़ने से ये अभियान मैला नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि इस अभियान में 1 करोड़ लोगों का समर्थन है। हार्दिक पांड्या और जैस्मनी वालिया की डेटिंग की खबरों ने जोर पकड़ा। हार्दिक पांड्या और नताशा की तलाक की खबरों के बाद अब हार्दिक पांड्या की डेट की खबरें सामने आ रही है। खबर है कि हार्दिक पांड्या और जैस्मिन एक साथ ग्रीस में छुट्टी मना रहे हैं। इस बात का फैंस ने अंदाजा इससे लगाया कि हार्दिक और जैस्मिन ने एक ही पूल की लोकेशन के फोटो और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं। हार्दिक और जैस्मिन के फोटो और वीडियो का बैकग्राउंड जो है एक सा नजर आ रहा है, जिसके बाद फैंस के बीच दोनों की डेटिंग करने की बातें शुरू हो गई हैं। हार्दिक पांड्या और जैस्मिन वालिया के बीच डेटिंग की खबरों ने तब और जोर पकड़ लिया जब ब्रिटिश सिंगर ने क्रिकेटर के वीडियो को लाइक किया। वहीं हार्दिक पांड्या ने वालिया के फोटोज पर लाइक किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपू पटेल, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राम, सपना कुमारी, सादुल्लाह पलवी, छोटू रजा, राज किशोर महतो, राम बाबू, उमेश ऋषिदेव, संजीव कुमार, गोनर शर्मा, राजन प्रकाश, नीतीश कुमार सिंह, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। लगातार तीसरे दिन एम्स और IGIMS के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।